हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर फूड ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा बड़े ही इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल यहाँ पे डाल लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, एक तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम सबसे लहीन। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, और अब हम इसमें ऐड करना है साबुत लहसुन। लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है, ये तो फिर बाद में ये गलेगा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे लंबा बड़ा बड़ा प्याज काटना है। अब प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, हल्का सा जब तक कलर चेंज हो जाए तो हम इसे टमाटर ऐड कर देंगे, डाल देंगे तो लाल मिर्च डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से पका देंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, अब इसमें टमाटर को हाफ करना है और ये ऐसे डाल देना है। एक चम्मच नमक ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें पानी डालते हैं, पानी थोड़ा सा ही डालेंगे। ये थोड़ा सा अदरक ऐड करना है, इसको हमने बंद कर देना है और 3 सीटी आने तक पका लेना है। जैसे ठंडा हो गया है तो चलिए इसमें अदरक ले लेते हैं। ये देखिए मसाला कुछ ऐसा बना है। अब हमने इसमें जो टमाटर डाले थे उनके छिलके ऐसे उतार लेने हैं, बड़े इजीली उतर जाते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि छिलके निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से मैश होएंगे, नहीं तो छिलका बाद में दिक्कत करेगा। और ये सारे इस तरह से निकाल लेने हैं, और ये खड़े मसाले भी निकाल लेने हैं। और अब इसको अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए अच्छे से पक गए हैं और मैश हो गए हैं, प्याज भी बड़ा अच्छे से मैश हो रहा है। अभी जल्दी मैश करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से मैश हो जाए। ये तरीका वैसे काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और दोनों तरफ से मिक्स कर देंगे। मसाले में इससे तेल छोड़ दिया, देखिए अब इसमें ऐड करेंगे राजमा। राजमा मैंने रात को भी भिगोए थे, काफ़ी टाइम तक भीग चुके हैं अच्छे से। ऐड करेंगे पानी, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं, मसाला अच्छे से भूल गया, अच्छे से बन गया है। तो
तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।